पर हवा आने रखे हैं फोर्ट के ऊपर। ये देखो गार्डन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओन स्काई। तो हम अब आ गए थे जयपुर अजमेर से, जयपुर जंक्शन के बाहर ही खड़े हुए हैं। अब पता लग रहा है भाई गर्मी है राजस्थान में, कल तो अच्छा मौसम था। तो आप देखते हैं हम जयपुर में कहाँ कहाँ घूमेंगे, ब्लॉग में जुड़े रहना। कोचाली वाली 12,181 जबलपुर अजमेर सुपरफास्ट प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आमिर फोर्ट हम आ गए हैं। ये देखिए हम घूमने आए थे आमिर फोर्ट, तो यहाँ पर बहुत फेमस है, दयाराम जी के फोर्ट है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उनसे बात करते हैं, अंकल बनाते हैं उनकी सबसे। खड़े आ जाने की गरम गरम चिमटा लगा दूंगा। अंकल आपका क्या नाम है? मायाराम। क्या नाम है? मायाराम। अंकल मायाराम है। और उनसे पूछो सिंपल है, वुडन के हुए जैसे अपने पहाड़ों में होते हैं। ये आ गए भाई जान अपने अंकल जी, आओ बातचीत करें। देखो ये अंकल जी ऑनर शॉप के, ब्लॉग बना रहे हैं अंकल जी। अंकल जी की कहानी मुझे पता लगी, मैं तो कल साथ में आया था। अच्छा, फेमस अंकल के यहाँ के प्रॉपर्टी फेमस है। देख रहे अंकल डॉलर गिन रहे, रंग बिरंगे नोट अंकल के पास पूरे। ये गिन रहा है तो आओ एक और देसी तरीके से अंकल आटा गूंद रहे हैं। अब ये अपना तो भाई लगा रहे हैं सब्जी में तड़का। भाई बन गया हमारे आलू प्याज भी। आलू ये कौन से परोठे हैं? पनीर वाला, पनीर वाला दो अपना। आ गया पनीर वाला परोठा, ये आलू प्याज, ये भी आलू प्याज खाते हैं, वो भी आलू प्याज। भाई दे दो कुछ भाई से करेंगे बाद में बात, पहले कुछ खाते हैं। ये देखो स्टफिंग, देखो स्टफिंग। सवाल रिपीट करने के बाद आंसर क्या? कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है वो, अलग से लिया है। अच्छी अलग नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, रोटी आएगी इसके साथ। अच्छा तो ये हमने छोले भी मंगाए अलग से और साथ में मंगाई है रोटी, परोठा के साथ छोले और लस्सी का गिलास। ये नहीं है छोले में परोठे और लस्सी ना हो कैसे कैसे। छोले भी स्वाद है भाई, छोले भी स्वाद है, ठीक है बढ़िया। लस्सी, लस्सी तो लाजवाब। हमने परोठे खा लिए दो दो और खाए छोले के साथ रोटियाँ, ढाई ढाई परोंठे खाए। ये देखो प्लेटों का हाल, लस्सी और मेन चीज आपको अभी दिखाता हूँ, लस्सी देखो हमने कितनी पी है। ये है उमेर भाई, राजा और मैं, हम तीन जन है। लस्सी देखो हमने कितने गिलास पिए, ये देखिए लस्सी। अब ये पी रहा, एक मेरा इधर रखा, एक गिलास हो रहा, अब उसने पी ली, खत्म हो गई। देख रहे हो आप, वो लस्सी बना बना के थक गया। ये देखो ये बना बना के परेशान हो गया भाई। आप बताओ क्या, थोड़ा तेज बोलेंगे आप? दिस इज माई फोर्थ ग्लास ऑफ लस्सी, अप्रिशिएटेड। मजा आ गया, मेरी तो तीसरी ग्लास, मेरे तीन ग्लास लस्सी। ये मेरा फोर्थ ग्लास, तीसरा है तेरा, चौथा आने वाला है। हाँ यार मन ही नहीं भर रहा। तो भाईजान अपना बिल आ चुका है, मेरा अपना बिल, ये देखिए हमारा बिल। देखो तो ये बिल्कुल ले ही नहीं रहे फ्रेम में, अकेले अकेले लगे पड़े। लस्सी पीते पीते करते हैं बातचीत भाई से, पूछता डिटेल भाई। जो जयराम जी है वो अंकल है, पीछे काउंटर पे बैठे थे, मैंने आपको दिखाया ब्लॉग में। वो भाई एंजॉय कर रहे हैं व्यू लगा रहे थे। आओ फोन के बैठे अभी थोड़ा काम कर रहे हैं, रुक के बात करेंगे उनसे। हाँ रहने दे, भगा दिए जाओगे क्योंकि बिल बिल सब हो गया। आप भी यहाँ खाने आते हो? अच्छे लग रहे हैं और जो बाउंड्री हो रही है पीछे वो भी परकोटी है। सुन 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 मैं रोक, खाना पीना डन है, अब चलेंगे आमिर किला। सब एक एक जगह दिखाएंगे आपको, और जो चीज मतलब फेमस भी नहीं है ना जिसे कहते हैं हिडन जेम्स, वो भी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाने की। क्यों? और ये पूरा आपको अलग व्लॉग मिलेगा। और एक चीज़ और, जैसे और यूट्यूबर्स होते हैं
बस तारीफें फेक करना ये करना, मैं रियली बताऊंगा आपको, अगर सच में आप भूखे हो दोपहर के टाइम आ रहे यार भाई नहीं देखोगे बता दे यार, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, डिलीट कर देगा क्या, कुछ नहीं कहोगे आमिर के बारे में कुछ तो, दो तीन शब्द आमिर कैसा है, बहुत अच्छा है, कितना अच्छा है, बहुत अच्छा, कितना खाना पीना कैसा है, जीप का चार्ज तो नहीं, हमारा काम पैदल वाला है ना, वो पीछे में रोड है सिटी से, अगर कोई भी आता तो वहाँ पर आपको ड्रॉप करते हैं, यहाँ से आपको एंट्री मिलेगी, ये गेट है यहाँ से आने का पार्क से होते, ये देखिए ये तालाब, तालाब कह सकते हैं, नदी कह सकते हैं, ये देखिए ब्यूटी, हमने ये कैब करी है, मतलब कैब नहीं ये राइड, ये सीधा फोर्ट तक छोड़ेगी 50 रुपये पर हेड, गर्मी कितनी लग रही है, नहीं नहीं मॉडर्न बैटरी रिक्शा है बस, तुम यही कहो भाई साहब, ये टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट कर सकते हैं बुक, ये देखिए इंडियन सिटीजन के 102, इंडियन स्टूडेंट के 2200 रुपये, फॉरन टूरिस्ट के 502 और फॉरन स्टूडेंट के 152, तो हमने 3 टिकट कर लिए बुक, ये देखिए आओ चले, क्या होगी थी शूटिंग को हो ही जाती है, ये चौक देख रहे हो आप, ये जले भी चौक है यहाँ राजा के, जहाँ से आप नीचे से गाड़ी से आओगे ना तो वो मेन गेट है, तो वहाँ से आपको यहीं ड्रॉप करते हैं, वहाँ टिकट लेना है, हाँ तो इसको जलेबी चौक बोलते हैं, और ये तो दो गेट देख रहे हो आप, ये सूरतपुर गेट है, ये चांदपुर गेट है, अच्छा जी, ये जो 3 दरवाजे देख रहे हो इनके पास अगल साइडों में तो मिनिस्टर बैठते थे, बीच में राजा बैठते थे, सोने और चांदी की कुर्सियाँ रहती थी, भाई बता रहे हैं ये 27 कचहरियाँ, यहाँ पर जो राजा के अकाउंटेंट्स होते थे ना हिसाब किताब, यहाँ होता था सारा हिसाब किताब, ये प्रॉपर इधर जो बैठने, हाँ ये पूरा ये कचहरी थी, ओपन खुले बैठते थे, बाहर से हवा आती होती थी उस टाइम पर ठंडी, 8:30 से हिंदी का काम होता है, फ्री नहीं 250 रुपये चार्ज है, वो चीज चेयर लगी, ये देखिए इधर ये लाइट एंड साउंड शो होता है, लाइट एंड साउंड, लाइट एंड साउंड, चिमनी बोलते हैं वैसे, चिमनी इसमें दो रंग रंग टैंक, एक गर्म पानी का, एक नॉर्मल ठंडे पानी का, अच्छा एक तरफ से ठंडा पानी आता है, एक तरफ से गर्म पानी, गर्म पानी करने का नॉर्मल तो रहता ही है, गर्म पानी का एक टैंक गेरा, ये देखिए यहाँ पर हवा आने के लिए बिल्कुल ठंडी हवा यहाँ से आती थी, ये देखिए गीजर गर्म पानी, पानी का यहाँ आता था, देखिए जो आपको हमने पीछे दिखाया गीजर उसका गर्म पानी यहाँ पर आता था, ये रानियों के लिए था ना, यहाँ पर यहाँ से निकलता, यहाँ से गर्म पानी निकलता था और ठंडा पानी यहाँ पर आता था, और गाड़ दिया जाता था, उसको सड़ी गली सब्जी से पेंट बनाया जाता था, अच्छा उससे रंग बनते थे, रंग बनता था, तो ये उनसे बनी है पेंटिंग सारी, हाँ, है 4 साल पुरानी पेंटिंग है, इसको बोलते हैं ये जर्मनी से इम्पोर्ट करी हुई है, इधर दिख शॉट तो ले लें, बेल्जियम से, बेल्जियम से बोलते रहे हैं, जाने की ख्वाहिश थी कि वो दिन में तारे देख सकते, इसलिए ये लगाएंगे ताकि रिफ्लेक्शन मारे, तो दिन में वो देख सके, रोशनी पड़ती थी ना, हाँ लेकिन ये क्या बता रहे सर्दी की जगह, सर्दी में यहाँ रहते थे, गर्मी में ऊपर रहते थे, क्योंकि यहाँ पर जब सर्दी में मशाल जलाते थे ना वही आग स्टिक, तो ये पत्थर जो होता था ना ये कांच, ये कांच गर्म हो जाता, गर्म हो जाते, तो ये गर्म रहती थी, यहाँ पर आपस में बातचीत कर लिया करती थी, चुगलियाँ करती थी, गॉसिप बैठ के आपस में बातचीत कर लेती थी, डांस वांस होता था ना, प्रोग्राम जी की फोटो लगी हुई है, वाह टनल है, ये टनल है अंदर ही अंदर से रास्ता है, ये लिखे, ये लिखा है टनल, ये देखिए आप पढ़ सकते हैं, ये किले की तरफ जाती है, जयगढ़ किले, जो मैंने आपको अभी सुरंग दिखाई है उधर से हम आए हैं, अभी ये आमेर विलेज का है रास्ता, इधर से हम एग्जिट लेंगे, ये अंदर पीछे विलेज है, ये देखिए बारिश लग रही, बारिश हो रही है, वो देखिए पीछे वो रहा फोर्ट, ये देखिए ये है राजकला मंदिर, कोई स्टोरी है कुछ नहीं, कुछ नहीं है बस मार्केट है, अच्छा ये मार्केट है, ये देखना कॉटेज लिखा हुआ है, वो रहा जल महल, वो देखिए पार्क में,
ये देखिए ये अपना वर्ल्ड, ये देखो मॉल में आके क्या कर रहा है, बच्चों वाली हरकत है। अभी हम देखते हैं इसका लगेगा कि नहीं। हाँ मारे मारियो थोड़ा थोड़े थोड़े से। ये जिद कर रहा था कि मेरे को खिलौने में खेलना है, वो गाड़ी में नहीं खेलते बाइक वाला। अब मुंह देखो मुंह देखो, मैं कहा चलो तेरे को दिला देते हैं। मेरा मन नहीं करता खेलने का। क्या ये देखो, ये अंकल खेलेगा, मैं बच्चों को नहीं खेलूंगा। अंकल खेल रहे हैं तो अंकल वो ये जिद कर रहा है कि बता कौन सी खेलेगा, मुझे ये बता कौन सी वाली। रो मत, ये अरे खिलाएंगे रो मत। अरे ये जो ऐसे ऐसे मार रहे हैं, ऐसे ऐसे मार रहे हैं, खिलाएंगे। पहले वहाँ डांस करके दिखा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा कर 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 थोड़ा डांट। खुश हो गया देखो बच्चा, खुश हो रहा है। ये डिटेल्स हैं की आप देख सकते हैं, स्मैशिंग डील्स कार्ड आपको बनाना पड़ेगा ना, सारी डिटेल्स आप पढ़ लो। अच्छा वाइट कर रहा है, ये देखिए ये कर रहा अच्छा थोड़ा वाइट, ये देखिए क्यों देख रहे हो। फूड कोर्ट आए थे हम कुछ खाने के लिए, मेनू चेक कर ले और क्या क्या। छोले भटूरे 199 मैगडी चलते हैं महंगा, उतने में हमारे बर्गर आ जाएंगे। फूड कोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देख रहे हो पूरा मीट साकेत साकेत फेल ब्रो, फूड कोर्ट में फूड कोर्ट बहुत अच्छा है। मैगडी के अंदर रिहर्सल हो रही है लेके, ये देखो तड़का हम झुरमुट देखे मेन्यू इसके साथ, ये देखो तारों का यार बस कर झुरमुट देखे। मीटिंग हो रही है, आओ मैं चल रहा हूं भाई, सपना देखे जो मीटिंग पे आओ चलो एक सपना देखे यार। यारी नहीं यार दुबई में ही आ गए हैं, पैसा बहुत था, चल हो रही थी कि दुबई घूमना चाहिए। ये तो रिहर्सल करते करते दुबई आ गए यार। क्या एक्चुअली आप इस ऊंट को देखिए, हाँ यार कलाकृति की गई है, कलाकृति या कलाकृति मतलब जो 300 रुपए एक पीस देखे क्या यार। देखे गुलाब जामुन हमने कर लिया ऑर्डर, खाना खाया नहीं गुलाब जामुन, पहले गुलाब जामुन खाएगा। हाँ बता कैसा लगा। नहीं नहीं तो तू बता, बता तो दे कैसा लगा तभी तो ऑर्डर करेंगे। और जब पूछ रहे बता दे हैं, थोड़ा और अच्छा हो सकता था, थोड़ा चख लो पहले, मतलब फिर रहने दे खा ले। वापस ले, सबका स्वाद अलग अलग होता है भाई। आज हम टेस्ट करते हैं गुलाब जामुन, और ये मॉल के गुलाब जामुन है, तो देखते हैं कि कैसा बनता है। इस गुलाब जामुन से पहले इसने एक और गुलाब जामुन टेस्ट करा। हाँ ये जो हंस के अपनी खुद की बात खराब कर देते हैं, आई लाइक इट। चलिए हम टेस्ट करते हैं गुलाब जामुन। पहले ही आंखें बंद कर ली मुंह में डालने से पहले ही। सबने भी थोड़ा भाई ने इमोशनल कर दिया कि थैंक यू बर्थडे करे, तो मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा है तो हो गया अभी, हो अभी ठीक हो गया। चलो सुना अभी ठीक हो गया, इंग्लिश सॉन्ग सुना ना सुना। वही मैं गा रहा था, इंग्लिश के लिरिक्स गलत हो सकते हैं मेरे, पर दिल दिल से गा रहा। कानों को हाथ लगा के पूरी रूह से गाएगा। चल जस्टिन बीबर की जय, जस्टिन सॉरी चार्ली पुथ, चार्ली पुथ सिंगर था ना इसमें। चल चल हाँ पुथ नहीं है वही है, तू गलत नहीं, तू गाना स्टार्ट कर। गाना कौन सा करेंगे पहले बता देते दर्शकों को। मिल लो क्या गाने का मुझे वो याद नहीं नाम भाई, मैं गाना गाऊंगा डायरेक्ट। चल ठीक है ये बता देते फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म का। हाँ फास्ट एंड फ्यूरियस पिक्चर का है, जब पॉल वॉकर की डेथ होने वाली होती है, तो मतलब एक तरीके से जब लास्ट में रास्ता बीच में करते हैं दोनों रास्ते जब अलग अलग हो जाते हैं, दोनों भाई लोग विन डीजल पॉल वॉकर, तब ये गाना बजता है। वो सब समझ गई ऑडियंस, समझ गई समझ गई। हां तू चल समझदार ऑडियंस, तेरी ऑडियंस है ना। हां स्टार्ट कर चल, बोल होंगे तेरे ऑडियंस। जब नर्वस होता तो बात करता हूं से ध्यान नहीं। बोल चल बोल स्टार्ट परफॉर्मेंस। नहीं नहीं अभी चुप, जस्ट जस्ट शट अप, ये स्टार्ट नहीं कर देना। हां बोल स्टार्ट। या बिना हाथ यूज किए, बिना ये हाथ मैं नहीं, वो बॉडी मूवमेंट जो मर्जी कर। नर्वस होता तो ये चीज इट्स बीन लॉन्ग वे वेयर आर यू माय फ्रेंड, वेयर आर यू Where are you, my friend? आगे आगे या। When I tell you all about it, when I see you again, it's been a long day. बहुत अच्छा गा रहे हो my friend. Yeah. When I tell you all about it, when I see you again. गुलाब जामुन खाने के बाद हमने डोनट मंगा लिए। रहे पूरा फूड कोर्ट खाली होने वाला है, लेकिन हमारा पेट खाली है। हम लोग बैठे पड़े हैं खाली है, ये बच्ची है। चलो अब हम खाते हैं डोनट, यहां के दुकान भाई का बर्थडे है, भाई अब डोनट काटेंगे, ये काट दिए बर्थडे करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, अब हम खाते हैं ये, खाते हैं एक साथ खाएंगे फिर चलेंगे। ये है किटकैट डोनट, किटकैट डोनट पता है लोगों को, सब पता है। नहीं नहीं चॉकलेट
खाएंगे पाव। आर यू रेडी? बन के ऊपर जो इसने चॉकलेट का लपेट कर दिया है, रेडी? चलो खाओ। चलो ठीक है। एम उमर भाई को ले हैप्पी बर्थडे का भाई, ये लाख गुना अच्छा है गुलाब जामुन से। तो हमारा जयपुर का व्लॉग यहीं खत्म होता है। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल कर लो सब्सक्राइब। इतना सैड क्यों हुआ तू? हां सही, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। राम उसके सैड होने से क्या फर्क पड़ता है? देखो मेरे चैनल का नाम है ओएसआई, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। हां सब्सक्राइब भी जरूर करना, हर बार ही भूल जाता है। बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में जल्दी। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, मिलते रहेंगे। सलमान।